खाने पहले हम घर में जाते थे, घर में उसे अम्मी ने कहा आज कड़ी बनी है। मेरी अम्मी बहुत अच्छी कड़ी बनाती थी, कोफ्ते बहुत अच्छे बनाती थी अम्मी हमारी, वो कोरमा वो अच्छा बनाती थी। तो हमें याद आती है सारी बातें कि यार वो जमाना कैसे था, खाने में कितना मजा था, दाल भी मजे की होती थी, चटनी भी मजे की होती थी। आजकल आपकी पूरी टेबल भरी हुई होती है, मजा नहीं होता, क्योंकि जिसने बनाया उसने गुस्से में बनाया। अब इनके लिए खाना भी बनाओ कम वक्त मारो के लिए, ये तो दफ्तरों में ऐश करते रहते हैं, शूटिंगों में बिजी रहिए। ये बीवियां पकाती हैं, माँ का होता अल्लाह मेरा बच्चा सेहतयाब रहे, कोई बीमारी ना हो मेरे बच्चे को, उसमें खाने पे फूंकती हैं। वो तो माए होती थी सिल पे चटनी पीस रही है, इतने इंदा है मेरे नन्ने की चटनी है मेरी बच्चे की चटनी। बीवी तो उस सिल पे बैठी थी, इसका मखत की ऐसी चटनी बनाऊंगी। तो हमारे खानों में जायका जो निकल गया वैसे निकल गया कि मोहब्बत निकल गई। ये सारी बीवियां नहीं है ना, मैं सारी खवातीन को कह रहा हूं। अच्छा यही बीवियां जब अपने बच्चों को खिला रही होती हैं तो चमचे में बिस्मिल्लाह पढ़ो, मुंह खोले मेरे बच्चे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करेगा चुपाएगा, वो कर रही होती अपने बच्चे को, क्योंकि हमें समझती है किसी और का बच्चा, शौहर तो बाद में समझती नहीं, पहले बच्चा किसी और का समझती है, इसलिए वो मोहब्बत नहीं आती है।